एक थीम सुनाता हूँ आपको, जैसे कि ऐसा हो जाए माहौल कि सभी स्टार बॉलीवुड हमारे यहाँ पर आ जाएं, ठीक है। प्रिंसिपल तो राजकुमार जी, और एग्जाम देने के लिए सबसे बुलाते हैं राजकुमार जी। जैसे ही आते हैं, बच्चों आज का एग्जाम तुम्हारी जिंदगी और मौत का एग्जाम है। नकल करते पकड़े गए तो कॉलेज से निकाल दिए जाओगे। नकल करो मगर पकड़े मत जाना, समझे। जैसे ही राजकुमार होते वहां पर एक साइड में बैठे हैं अजीत जी, वो कैसे बोलते हैं, प्रोफेसर साहब यहाँ आइए और हमारी कॉपी लीजिए, वरना खिड़की पर माइकल बंदूक लेकर बैठा है। इधर तुम्हारी कलमें चलेंगी, उधर माइकल की गोलियां, पूरा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। थोड़े ही आगे चलते, जैसे शाहरुख खान पेपर दे रहे हैं, शाहरुख खान अंजलि अंजलि एक पर्ची तो देना अंजलि कितना अच्छा पेपर आया है, और कौन कहता है इस पेपर में पास होगा, मैं शाहरुख खान। जैसे ही शाहरुख खान पेपर दे रहे, उसके पीछे ही सुनील शेट्टी जी पेपर दे रहे हैं, कैसा पेपर आया और कौन कहता है इस पेपर में पास होगा, मैं इस पेपर में पास नहीं हो सकता। जैसे ही सुनील शेट्टी जी पेपर दे रहे, उसके पीछे होते हैं हमारे शनिदेव जी, बाबूजी कैसा पेपर आया और कौन कहता है इस पेपर में पास होगा, सीए का पेपर इन लोगों ने बीए में दे रखा है बाबूजी। बेवकूफ बना रखा है बाबूजी, और इतनी दूर से हम आए हैं और उसे पेपर में पास नहीं कर रहे बाबूजी। जैसे सुनील शेट्टी और उसके पीछे शक्ति कपूर, सत्य कपूर पेपर दे रहे, वो कैसे बोल दो, आओ नौबता मैं तेरा डाक टक आओ। उसके पीछे होते अजय देवगन, अबे ओ शक्ति, अबे जा 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 पांच पे क्वेश्चन का आंसर दिखा ला, कैसे दिखाऊं तो मैं आंसर, तू पीछे से देख सकता, मैं तेरा डाक टक कर दो आओ। जैसे सुनील शेट्टी जी पेपर दे रहे, पीछे सलमान खान भी बैठे, अरे कमाल करते हो यार, अरे चतुर्मैया जी अबे हमें आपको फेल कर दिया, एक बार जो मैंने बोल दिया ना, जाके एक गिलास पानी लेकर आओ, वाई गुड। जैसे ये पेपर दे रहे होते हैं, क्लास से एकदम से एंट्री होती है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, तेरे को क्या लगता था नहीं लौटेंगे, अरे तेरे मैं कहता है तुम्हारे में तो कमियां ही कमियां, चले जा, बता ना मुझ में कमी क्या है, मेरे लंबे लंबे दांत हैं, मेरे लंबे लंबे नाखून हैं, मेरे पीछे लंबी पूंछ है, नहीं है ना, डरना मत, लॉजिकली बात कर रहा हूं। उसके बाद क्या होता है, नाना पाटेकर जी फ्लाइंग बन के आती है, और जैसे ही एंट्री करते ना, वहां पे गेट में होते हैं इरफान खान, क्या भैया, अरे पहचान हमको, एक एक कर ला रहे भैया, तोड़ो तोड़ो तोड़ो, अरे अंदर कहाँ जा रहे बेटा, अंदर पेपर चल रहा है। अच्छा लगा है? अच्छा लगा आपने मेरा स्वागत किया। जैसे ही एंट्री करते हैं वहाँ पे बच्चन साहब होते हैं, अमिताभ बच्चन, अरे नमस्कार नाना जी, देखिए भाई आपका बहुत बहुत जबरदस्त बताया जाता भाई, आइए हमारे एग्जाम में आइए। बहुत अच्छा लगा बच्चन साहब आपसे मिलके। जैसे एग्जाम में आते, सबसे पहले शाहरुख खान को पकड़ लेते हैं, फ्लाइंग होती है जो टिकट, वो पर्ची होती है उनके पास, बता तेरे पास पर्ची होगी, चल दिखा। ए कौन कहता है मेरे पास पर्ची है, मैं तो पर्ची थी मेरे पास, मैंने अंजलि को दे दी। उसके बाद सुनील शेट्टी को पकड़ लेते हैं, तेरे पास तो पर्ची होगी, देखी तेरी फिल्में दो चार हैं, हंसता हुआ ऐसे लगता जैसे कोई कुत्ता हाँप रहा है, दिखा पर्ची तेरे पास, कौन क्या था मेरे पास पर्ची है, मेरे पास पर्ची थी, मैं तुम्हें पर्ची दूं, तुम हो नहीं सकता तो मुझे पर्ची निकालो, क्या मैं होने नहीं दूंगा। जैसे ही पर्ची खत्म होती है, उसके बाद सुनील देवगन पकड़ लेते हैं, तेरे बहुत तूने नलका पड़े गदर में है, दिखा तेरे पास पर्ची होगी, ओए मैं कैसे दिखा दूं तुम्हें पर्ची, मेरे बाबूजी को बता दिया मैंने मेरे पास पर्ची नहीं थी, वाह गुरु दिस होम, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो तुम्हारे फाड़ दूंगा, अंदर से फाड़ दूंगा। जैसे ही वो खत्म होते, एकदम से एंट्री होती है अमरीश पुरी जी की, जो कि बाथरूम में टॉयलेट के लिए गए हुए थे, अरे मैं आई कम इन सर।
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अच्छा लगा तू यहाँ पर आ गया, मैं तो तेरे को टॉयलेट में जाके पकड़ने वाला था। चल तेरे पास पर्ची होगी, चल दिखा। तेरे पास पर्ची होगी, चल दिखा। अरे कौन कहता भाई मेरे पास पर्ची है? मेरे पास पर्ची थी, वो तो मैं टॉयलेट में फलस करके आ गया। जैसे ही एंट्री करते हैं एकदम विषम पितामह महाभारत की, वो एंट्री करते हैं। आओ पुत्र, तुम हमारे पास यहाँ आए हो, हम तुम्हारे लिए पानी लेकर आए हैं। अरे चुप कर छाले, तेरे पास पानी नहीं है। ऐसे करके चला गया। जैसे ही एग्जाम खत्म होता, राजकुमार जी फिर दोबारा आते हैं। बच्चों आप सभी को पास कर दिया जाता है, जाओ अपने घर पे आओ। उसके बाद फिर लास्ट में नसरुद्दीन शाह आते हैं। भाई कमाल कर दिया भाई, एक लड़के को पास या फेल करना, मैं तो कहता हूँ पाप है वो, और मेरी नजरों के ये सामने पाप होता नहीं देख सकता। 10 गुना है, 20 गुना है, 1000 गुना है, मैं तो कहता हूँ पाप का भी बाप है वो। उसके बाद जैसे ऋतिक रोशन, हाला कमाल कर दिया, मुझे पास कर दिया भगवान, मुझे शक्ति दे जादू ताकि मैं इस प्रिंसिपल के बच्चे को मार सकूँ। थैंक यू गाइस सुनने के लिए।